नारे लगाने पर गिरफ्तार होने वाले 6 हिंदू लड़के लड़कियों को 14 घंटों के बाद रिहाई मिल गई है। मोदी के मेरा भारत महान में अगर ये लोग मुसलमान या सिख होते तो फिर 14 सालों तक इनको धर लिया जाता। अलबत्ता मजाक ही मजाक में सही, लेकिन दिल्ली में ये साइकिल रेस पाकिस्तान की टीम ने जीत ली है। रिपोर्ट करेंगे लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ दिल्ली गेट के बाहर से जिन 6 लड़की लड़कों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर गिरफ्तार किया था, उनको 14 घंटों के बाद रिहा कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर इन लोगों ने मौका इख्तियार किया कि उन्होंने 2 टीमें बनाई थी, एक इंडिया की टीम थी, एक पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक बाइक की टीम जो है जीत गई, जिस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नाज़रीन, इंडिया हमेशा पाकिस्तान के नारे लगाने पर भुकला जाता है। आज से कुछ अरसा पहले असदुद्दीन अवैसी, जो मुसलमानों के लीडर हैं, उनकी रैली के अंदर एक हिंदू लड़की ने आकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसे 14 दिनों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर पर भी हमला किया गया। ये हरकत देख के अवैसुद्दीन वापस आए और उन्होंने आके लड़की से माइक छीन लिया और उसके बाद एक घटिया बयान भी दे डाला। मैं नमाज पढ़ने पीछे जा रहा था, मैंने जैसा ये वाहियात नारे सुने, वाहियात नारे सुने, मैं सामने तेज चल कर आकर उनको रोका। मैं शायद भारत में रहने वाले लोगों की ये मजबूरी भी होगी कि उनको इस तरह के बयान देने पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहादुर और वयूर कश्मीरी ना सिर्फ सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, जब भी उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के हक में नाराबाजी करते हैं, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या चाहे उनकी वो रैली हो। जिन 6 लोगों ने नारे लगाए वो हिंदू फैमिली से थे, अगर वो मुसलमान होते तो 14 घंटों की बजाय उनको 14 साल की सजा सुना दी जाती। और दूसरी तरफ मजाक ही मजाक में सही, लेकिन पाकिस्तान ने ये रेस जीत ली इंडिया में रहते हुए। अमजद चौधरी, चैनल 5, लंदन। और अब खबर देंगे आपको यहाँ पर दुबई के।